नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेड टैकी में। तो साथियों, ये है 19th वीडियो 60 डे चैलेंज की और हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इंटीरियर सेट को। तो अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, फाइल पे जाते हैं, ओपन प्रोजेक्ट करते हैं एंड लास्ट टाइम जहाँ हमने प्रोजेक्ट सेव किया था वहीं पर सेव कर निकाल लेते हैं। राइट, तो लास्ट टाइम हमने ऐड की थी लाइट, हम गए थे क्रिएट पे, लाइट्स पे एंड पॉइंट लाइट हमने, सॉरी स्पॉट लाइट हमने ऐड की थी। आज हम बात करेंगे पॉइंट लाइट की एंड कुछ चीज़ें बच गई हैं। अभी देखिए क्या है कि ये लाइट तो प्रॉपरली ऐड हो गई है बट जिसका इफेक्ट है वो नीचे की तरफ तो शोर है बट जो लैम्प है वो कमरे में रोशनी नहीं पहुंचा रहा है। राइट, आप देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये वुड है, ये विजिबल है, इसको सीन में जा करके इनविजिबल कर लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं प्ले करता हूँ तो इस लैम्प का कोई भी इफेक्ट इस बंदे के चेहरे पर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर वॉल्स पर नहीं पड़ रहा है। राइट, तो हमने जब स्पॉटलाइट करते हैं तो किसी एक खास डायरेक्शन में करते हैं बट जहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट लाइट, तो अब ये पॉइंट लाइट आ गई है एंड ये होती है सर्कुलर डायरेक्शन में, लाइक सभी डायमेंशन में काम करती है। अब देखिए, जैसे ही पॉइंट लाइट आई है इसको ऑफ करते हैं, चेहरे पे देखिए इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको सबसे पहला काम करते हैं, ले चलते हैं अलाइन एंड हाइट अप कर लेते हैं। राइट, एंड अब देखते हैं, ठीक है इफेक्ट आ रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसको यहाँ रख लेते हैं, आई थॉट ये ठीक रहेगा। राइट, एंड आप देख पा रहे होंगे जब हमने पॉइंट लाइट को विजिबल किया है तो उसके साथ साथ कुछ सर्कल्स भी आ गए हैं। राइट, ये देखिए सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में चलते हैं मॉडिफाई पे। ये है इसकी रेंज, सर्कल को छोटा कर सकते हैं, देखिए। तो हमें इतना ही रखना है कि सिर्फ करेक्टर तक तो इफेक्ट जाए इस लाइट का, बस करेक्टर इसके अंदर आना चाहिए बट वॉल्स तक ना जाए। राइट, उसके बाद इसकी मल्टीप्लायर है कि कितना ज़्यादा रोशनी होगी और कितनी कम रोशनी होगी। राइट, तो ये ठीक है पहले से ही, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कलर क्या होना चाहिए लाइट का, लास्ट टाइम भी हमने लाइट का कलर चेंज किया था, यहाँ पर चलते हैं सीन पर चलते हैं, ये कलर उठा लेते हैं क्योंकि जिस कलर का लैम्प है उसी कलर की लाइट यहाँ से निकलनी चाहिए। राइट, इसको सिंपली यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं और ये काम आप मॉडिफाई पैनल में भी कर सकते हैं। अब देखिए सेम लाइट आ रही है एंड जब मैं इसे बंद करता हूँ, देखिए अंतर दिखाई दे रहा है आपको, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी देखिएगा चेहरे पे, ये देखिए एक तरफ से लाइट पड़ी ना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इस लैम्प से ही लाइट निकल रही है क्योंकि सेम कलर की है। एंड सेम चीज़ जाके आप मॉडिफाई पैनल में यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक तो हमने ये ऐड कर दिया, अब सीलिंग से लटकता हुआ एक लाइट ऐड करते हैं टेबल के ऊपर, जो ये टेबल है और जो कि इस वॉल्स को भी थोड़ा सा लाइटनिंग अप करे। कंटेंट पे चलते हैं, कंटेंट में जाने के बाद आ जाते हैं हम अपने प्रॉप्स पे, प्रॉप्स पे देखते हैं शॉर्ट बॉक्स, रिफ्लेक्टर, बैक प्लेन, स्पेशल लाइट, नहीं ये नहीं चाहिए हमें, तो फ्लोर हो गया, वॉल हो गया। यहाँ पर लाइट्स के लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए, लाइट टूल्स आ गया। राइट, तो ये कुछ लाइट टूल्स हैं। अब या तो हम चाहते हैं कि जैसे कि ये लैम्प है इसको हम इस टेबल पर रख दें, बाकी टॉर्च है हमारे पास, रॉड लगा दें कहीं पर, तो ये तो अलग अलग तरीके हैं, हम इसे यूज़ कर लेते हैं पेंडेंट लैम्प को। राइट, यहाँ ड्रॉ किया, सीलिंग में लगा देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। देखिए बाहर चला गया, हाँ थोड़ा सा नीचे, ठीक। राइट, तो अभी ये पूरा का पूरा रूम लाइटनिंग अप हो गया है, आप देख पा रहे हैं कि इसका भी इफेक्ट आ रहा है। बट अभी यहाँ पर देखिए ये जो पेंडेंट लैम्प है ये है पेरेंट,
इसके अंदर भी इन्होंने एक पॉइंट लाइट लगा रखी है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो सिर्फ ये पेंडेंट लैंप चल रहा है, बट ये देखिए। एंड इसका कलर भी हमें ठीक लग रहा है, वैसे कलर में कोई इशू नहीं है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा चेंजेस करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर चलते हैं एंड आपको चाहिए कि नहीं यार, ये कलर होना चाहिए बिल्कुल वाइट, वाइट हो गया, बिल्कुल ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, येलो, येलोइश हो गया। तो जैसा कलर आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, तो जो कलर पहले था वही आ गया। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज में अभी इसमें तो हमने जब बल्ब लिया था उसमें तो दिखाई दे रहा था, बट इसमें रेंज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इनविजिबल है। जैसे ही विजिबल करेंगे इसकी रेंज सोनी शो हो गई। आपको मॉडिफाई में चलते हैं, इसकी रेंज अगर कम करते चले जाते हैं तो ये वॉल से आगे आ गया और हमें वॉल तक टच करना है इसकी रेंज को, राइट। कंट्रोल जेड करते हैं, इतना बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, बट इसको कर लेते हैं इनविजिबल। अभी क्या रियलिज्म नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट इस तरीके से काम नहीं करती है। जो लाइट रियल वर्ल्ड में काम करती है वो थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा हमें, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वॉल्यूमेट्रिक लाइट इसे कर दिया ऑन। अब देखिए इंटेंसिटी को थोड़ा सा अप कर दिया कि बहुत अच्छा ग्लो इफेक्ट है। अब आप देखिए आपका सीन कितना प्यारा लग रहा है, राइट। यहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके के सीन की जहां पर लाइट्स नहीं लगी हैं, बिल्कुल डार्कनेस है। एंड इधर देखिए अब लाइट इधर से पड़ रही है, तो इसके चेहरे पे ही देखिए कि जिस तरफ से लाइट पड़ रही है वहाँ पर ग्लो है, जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पर ग्लो नहीं है, राइट। तो ये रियल इफ़ेक्ट शो हो रहा है आपको। अब जैसे इसको मैं टर्न कर देता हूँ लाइट के फेस में। अब चलते हैं होम पर एंड अब देखते हैं तो पूरे चेहरे पर इवन लाइट पड़ रही है। बट इधर से देखिए जब आप इसका लेफ़्ट प्रोफाइल देखेंगे तो लेफ्ट प्रोफाइल पर यहाँ पर लैंप से भी लाइट आ रही है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला पोर्शन, राइट। तो होपफुली बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें बताने को आपके लिए। एंड ये हम बहुत जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे डार्क सीन होते हैं। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुराने वर्जन्स में यूज़ होता था। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे कि चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, हाँ ये ऑप्शन हुआ करता था। अब देखिए प्ले करिए, थोड़ा सा हॉरर टाइप का सीन बनाना है तो ये कर सकते हैं आप। यहाँ से कलर वगैरह लाइट के चेंज कर सकते थे पहले से। एंड यहाँ पर ठीक, तो सिंपल जाना है आपको क्रिएट पे, लाइट्स पे एंड पॉइंट लाइट कर देनी है। जब आप पॉइंट लाइट करेंगे तो वो लाइट की आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे कार के अंदर का सीन होता है, अब कार के फ्रंट सीट पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो वहाँ पर ही सिर्फ उतनी ही रेंज आप सेलेक्ट कर सके। हमने एक लाइट ऐड की थी सीन पॉइंट लाइट, तो इसको रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने कि सिर्फ इतने एरिया में ही हो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ मैं आपको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए कितना प्यारा फील आ रहा है इसमें। अब ये करेक्टर है, बिल्कुल डार्कनेस में होम,
बट मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डार्कनेस में भी इसके चेहरे को ऊपर रोशनी हो, बाकी कमरा डार्क हो। कुछ नहीं करना है आपको, क्रिएट पे जाना है, लाइट पे जाना है, पॉइंट लाइट पे जाना है, इसे कर देना है अलाइन भैया जी के साथ। भैया जी हो गए चमकदार। ओके, थोड़ा सा मूव करेंगे हम। ये देखिए कितनी बेहतरीन शैडो निकल के आई है। हाँ ओके, अब कुछ ज़्यादा ही चमक गए हैं, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाके इनके रेंज को करना है कम। हाँ इतनी, इसको करते हैं 60, इसको करते हैं थोड़ा सा और ऊपर। अब देखिए जब इसको हम सीन से कर देते हैं इनविजिबल, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि देखिए सीन में इसका चेहरा चमक भी रहा है और उसके साथ साथ आसपास में अंधेरा भी है, राइट? लाइट बंद, लाइट ओपन, ये कीज़ पे काम करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लाइट पे चलते हैं, मॉडिफाई पे। रेंज तो हमने कर दी, थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं। तो इससे आप अलग अलग कलर्स की लाइट्स इनके ऊपर गिरा सकते हैं। इसके बाद तो मल्टीप्लायर से कितनी लाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए ये एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? एंड वॉल्यूमेट्रिक का यहाँ पर ज़्यादा कोई काम नहीं होता है ऐसे सीन्स में, जहाँ पर जस्ट आपको इसको लाइटनिंग अप करना है, वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक लगा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं लाइट को। सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर शो होंगी आपकी, यहाँ से भी ऑफ ऑन कर सकते हैं, और मैं तो यूजुअली कोशिश करता हूँ यहीं से करें ऑफ ऑन। एंड जैसे मान के चलिए इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया या अटैच कर दिया, तो जैसे ही ये मूव करेगा तो लाइट भी इसके साथ मूव करेगी, तो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगेगा, राइट? तो होपफुली ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। एंड कंट्रोल जेड जेड कर लेते हैं कि हमारे सभी करेक्टर्स जहाँ होने चाहिए वहीं पर पहुँच जाएँ। थंबनेल के लिए एक अच्छी सी इमेज मिल जानी चाहिए, बस थंबनेल में हनुमान जी भी आने चाहिए। अभी देखिए आपको यहाँ पर कितने लाइट सोर्स हैं, सबसे पहले तो इसको करते हैं इनविजिबल। तो देखिए एक लाइट सोर्स तो आपका ये हो गया लैंप, दूसरा लाइट सोर्स है जो हमने इन्विजिबल कर दिया, तीसरा लाइट सोर्स ये हो गया, और चौथा ये फायर, राइट? तो इतने सारे आपके पास लाइट सोर्स हैं, और अभी इस कमरे का जो लाइटनिंग है वो प्रॉपर लाइटनिंग आपको शो हो रही है, जैसा कि आपको सिनेमेटिक इफेक्ट्स में चाहिए। और बाकी आप इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहें, जैसा जैसा आप ट्राई करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। कहाँ कैसे यूज़ करना है ये आपको सोचना है। अब सेम लाइट है, इसको मैं अगर किसी गाड़ी के टेल लाइट पे लगा दूँ तो वो भी फील देगा कि गाड़ी की टेल लाइट ग्लो कर रही है। हेडलाइट पे लगा दो तो हेडलाइट ग्लो करेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, या फिर जब हेडलाइट पे होती तो येलोइश थोड़ा सा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सीन, आपका कंटेंट क्या मांग रहा है, आपको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। मैं कई बार सेम चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो कि प्रीमियम कोर्स के मेम्बर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि ईश्वर ने आपको आग दे दी है, अब ये आपका काम है कि उस आग से अपना घर जलाएं या रोटी पकाएं, राइट? तो टूल्स दे दी हैं आइक्लोन ने आपको, अब आपको देखना है कि आप उसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।